السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एडमिशन दे इंतजार الحمد لله में رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही जी أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. जद्दा दावा सेंटर के तमाम ही मोहतरम जिम्मेदारान और खुसूसन फजीलतुल शेख इनायतुर्रहमान मदनी साहब हफिज़हुल्लाह और आज के इस प्रोग्राम में शरीक हमारे तमाम मुअज्जज भाई और मुअज्जज बहन हैं, आज मैं आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा मौजू आप लोगों ने जैसा कि ऐलान में पढ़ा है, इश्क व मोहब्बत का फितना। नौजवान नस्ल से ताल्लुक रखने वाला एक सुलगता हुआ मौजू है। असरे हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना है। बताइए कि इश्क व मोहब्बत का ये फितना कहाँ नहीं है, किस मुल्क में नहीं, किस गांव में नहीं, किस बस्ती में नहीं, किस गली में नहीं और किस मोहल्ले में नहीं। नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए तो इश्को मोहब्बत की फितने की इज्जत पे नौजवान नस्ल इस बुरी तरह से आई हुई है कि हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, ऐ इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर में सर उठाया उसको डुबा के छोड़ा, एक दस्तरस से तेरी हाली बचा हुआ था, उसके भी दिल पे आखिर चरका लगा के छोड़ा। इश्को मोहब्बत का फितना, आज की नौजवान नस्ल बुरी तरह से इस फितने में मुब्तला है। और हकीकत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कुतुब अहादीस में आपने इस फितने की पेशिन गोई कर दी है, जो आज हमारे सामने हकीकत बनकर जो है नजर आ रहा है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, والله ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء, कि अल्लाह की कसम मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फितना नहीं छोड़ा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे फितनों की पेशिनगोइयां फरमाई हैं कि मेरे बाद ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। लेकिन प्यारे नबी फरमाते हैं कि इन तमाम फितनों में मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई और फितना नहीं है। और जो बात आपने हदीस में इरशाद फरमाई है, ये बेअईन ही कुरान की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्नफ़रति मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल क़ैलिल मुसव्वमति वल अन्आमि वल हर्थ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। कहा कि अल्लाह ने फरमाया लोगों के लिए शहवतों की मोहब्बत खुशनुमा कर दी गई, यानी औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, खजानों की मोहब्बत,
सोने चांदी की मोहब्बत, निशान ज़दा घोड़ों की मोहब्बत, चौपायों की मोहब्बत, खेती की मोहब्बत। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की उन तमाम दौलतों और सरमायों और खजानों का जिक्र किया है जिनकी मोहब्बत आम तौर पे इंसान के दिल में होती है। खेती बाड़ी है, किसान को खेती बाड़ी से बड़ा लगाव होता है। घोड़े से जो दीवानापन और जो जुनून होता है घोड़ा पालने का और घोड़े का जो जुनून है वो सब आप जानते ही हैं। सोना और चांदी, रुपया पैसा, जमाशुदा खजाने, बहुत सारी चीजें इस आयत में अल्लाह ने जिक्र की हैं शहवत के तौर पर। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इन शहवतों में सबसे पहले जिस शहवत का तज़किरा हुआ वो कौन सी है? इन शहवतों में सबसे पहले जिस शहवत का तज़किरा हुआ है वो औरत है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन, लोगों के लिए शहवतों की मोहब्बत खुशनुमा कर दी गई है, यानी औरत। सबसे पहले अल्लाह ने औरत का जिक्र किया है जो इस बात की दलील है कि इंसान के लिए इस जिंदगी में बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है मर्द के लिए। अच्छा देखिए एक बात यहां हम बता देते हैं, औरत का फितना ये ताबीर जब हम कहते हैं तो इसमें औरतों की तनकीस नहीं है, औरतों का रुतबा कम नहीं किया जा रहा है, समझ रहे ना, बल्कि इससे मुराद वो औरतें हैं बेपर्दा औरतें, बेहिजाब औरतें, बेहया औरतें जो अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, अपनी जीनत की नुमाइश करती हैं, वो औरतें मुराद हैं जब हम कहते हैं कि औरत बहुत बड़ा फितना है। देखिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान एक फितरी कशिश रखी है, मर्द और औरत के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने एक फितरी कशिश रखी है। इसीलिए कुतुब अहादीस में और कुरानी मजीद के अंदर मर्द और औरत के दरमियान फासिला रखने वाली तालीमात दी गई है। कुरान और हदीस में जा बजा फरमाया गया है, कहा गया है कि मर्द और औरत में फासिला रखो। कैसा है फासिला है? औरत के सिलसिले में कहा गया औरत को हुक्म है घर से बाहर जब भी निकलना पड़े हिजाब के साथ निकलो, पर्दे के साथ निकलो, ताकि किसी अजनबी मर्द की नजर तुम पे ना पड़े, कोई अजनबी मर्द तुम्हें ना देखे, पर्दा करो, हिजाब करो, अपने बदन का पर्दा, अपने लिबास का पर्दा, अपने जेवर का पर्दा, हत्ता कि अपनी आवाज का भी पर्दा। जेवर के पर्दे के सिलसिले में कहा गया कि वो सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, औरतें इस तरह मटक मटक कर ना चले कि उनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। आवाज पर्दा है, चुनाचे कहा गया फला تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا, बिला जरूरत अजनबी मर्द से बात नहीं करना है औरत को, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ गई अजनबी मर्द से बात करने की तो कहा जा रहा है नरम लहजे में बात नहीं करना, वो जो फितरी तौर पे निस्वानी आवाज होती है उसमें बात नहीं करना। अजनबी मर्द से जब भी बात करने की नौबत आए जरा लहजे में सख्ती अपनाना, वरना क्या होगा फयस्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरब, वरना होगा ये कि जिसके दिल में रोग है, रोग से मुराद क्या, यही इश्क का फितना, मोहब्बत का फितना, जिसके दिल में रोग है वो तुम्हारी निस्वानी आवाज को सुनकर तुम्हारे सिलसिले में गलत सोचेगा, गलत ख्यालात आएंगे उसके दिल में। इसलिए औरत से कहा जा रहा है अजनबी मर्द से पहले बात ना करो, और अगर जरूरत पड़ जाए बात करने की तो फिर जरा सख्त लहजे में, सख्त आवाज में बात करो कि सुन, और इस आवाज में बात करो कि सुनने वाले, सामने वाले मर्द को लगे पता नहीं बेचारी क्यों गुस्से में, हत्ता कि उसकी खुशबू का भी पर्दा है, आवाज का भी पर्दा, जेवरात का भी पर्दा, खुशबू का भी पर्दा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तीब अर्रिजाल मा ज़हरा लौनुहु मा ज़हरा रीहुहु व खफिया लौनुहु व तीब अन्निसा मा ज़हरा लौनुहु व खफिया रीहुहु,
मर्द ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें कि जिसमें महक ज्यादा हो, रंग ना हो, और औरतें ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जिसमें महक कम हो और रंग ज्यादा हो। जाफरान जैसी खुशबू है, महक कम है मगर रंग ज्यादा है। तो देखिए पर्दे का कितना वसी तस्वुर है। ये सब क्या है? यही जिना के फितने को रोकने के लिए, इश्क और मोहब्बत के फितने को रोकने के लिए दी गई तालीमात हैं सब। इख्तिलात मर्द और औरत के दरमियान जो फितरी कशिश है, तो फितनों से बचाने के लिए जो तालीमात शरीयत ने दी है फासिले की, उसमें एक इख्तिलात भी है। कहा इख्तिलात से बचो। इख्तिलात का मतलब क्या है? एक जगह अजनबी मर्द और अजनबी औरतों का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना बगैर पर्दे के, सख्त मना है। प्यारे नबी ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, आपने फरमाया कि जहां औरतें होती हैं वहां जाने से बचो, जहां औरतें होती हैं वहां दाखिल होने से परहेज करो। कालू या रसूल अल्लाह अफरअइतल हम, पूछने वालों ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी देवर के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया अलहम वल मौत, ताकि देवर से तो वैसे डरो जैसे मौत से डरते हो, मौत का नाम सुन के जैसे तुम अटेंशन हो जाते हो। औरत को अपने देवर के सिलसिले में उन्हें भी उसी तरह संजीदा हो जाना चाहिए। वही तो सबसे बड़ा फितना है औरत के लिए, देवर। और हमारे मुआशरे में भाभी और देवर के दरमियान हंसी मजाक छेड़छाड़ जैसा इतना बुरा माहौल है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस रिश्ते को प्यारे नबी ने सबसे ज्यादा खतरा बताया है, आज उसी रिश्ते में सबसे ज्यादा बेतकल्लुफी पाई जाती है। दो रिश्ते हैं, एक साली और बहनोई, यह भी बड़ा नाजुक रिश्ता, और एक देवर और भाभी, यह भी बड़ा नाजुक रिश्ता, यहां बहुत एहतियात होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुआशरे में इन दोनों रिश्तों के सिलसिले में बेएहतियाती होती है। साली और बहन भाई में हंसी मजाक छेड़छाड़ चलता रहता है, इसी तरह से देवर और भाभी में भी चलता रहता है। बहरहाल प्यारे नबी ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, जहां औरतें होती हैं वहां जाने से बचो, वहां दाखिल होने से बचो। खलवत, अजनबी मर्द और औरत के दरमियान खलवत से मना किया गया है। खलवत का मतलब क्या है? तन्हा, तन्हाई में कोई अजनबी मर्द और औरत साथ ना रहे, तन्हाई में, इस तरह के वहां यही दो हो, कोई तीसरा नहीं है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, भले से वो किसी नेक मकसद की खातिर ही क्यों ना से। मिसाल के तौर पर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में जाना चाह रहे हैं, खड़े हुए हैं, लिफ्ट खुलता है, देख रहे हैं लिफ्ट में सामने एक लेडीज है, नहीं जाना, क्योंकि अगर आप जाएंगे 10 सेकंड के लिए सही खलबत हो जाएगी कि एक बंद मुकाम पर तन्हाई में एक अजनबी मर्द और औरत साथ हैं। प्यारे नबी ने फरमाया ला यखलुवन रजुलुन बिमरातिन, कोई शख्स किसी औरत के साथ कभी खलवत में ना रहे, तन्हाई में ना रहे, अजनबी औरत के साथ, अजनबी औरत अजनबी मर्द के साथ, अजनबी मर्द अजनबी औरत के साथ। इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान, अगर वैसा होंगे क्या होगा? तीसरा शैतान रहेगा, शैतान बहुत जल्द आ जाएगा। हमारे मुआशरे में बड़ी बेहतियाती होती है, बहुत बेहतियाती। जैसे मैंने कहा नेक मकसद के खातिर क्यों ना सही, अजनबी मर्द और अजनबी औरत तन्हाई में नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर कोई मौलवी साहब हैं, कोई आलिम साहब हैं, कोई हाफिज साहब हैं, हमारे घर आते हैं, किस लिए आते हैं? बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, कमरे में हमारी नौजवान बच्ची को, नौजवान लड़की को उस हाफिज के सामने बिठा देते हैं, जबकि तीसरा कोई नहीं होता, खलवत हो गई। आप बोलेंगे आलिम है हाफिज है, हाँ आलिम है हाफिज है, पहले वो इंसान है, उसके पीछे भी शैतान है, उसके साथ भी शैतान है, बल्कि बस औकात उलमा के पीछे लगा हुआ शैतान बड़ा स्ट्रांग होता है। तो शरीयत ने देखिए कितनी तालीमात दी हैं
ये जो मर्द और औरत के दरमियान फितरी कशिश जो अल्लाह ने रखी है, कहीं ये चीज फितने की शक्ल ना इख्तियार कर जाए, उसके लिए शरीयत ने ये सब तालीमात दी है। सफर है, औरत को मना किया है तनहा सफर करने से, औरत तनहा सफर नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम के बगैर लंबा सफर करने से औरत को मना किया। हाँ, एक गली से दूसरी गली जाना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना, ठीक है, उसमें इजाजत है अगर रास्ता मामून है, पुरमन है तो। लेकिन बाकायदा सफर, एक इलाके से दूसरा इलाका, एक शहर से दूसरे शहर, औरत तन्हा नहीं कर सकती इस्लामी कानून के मुताबिक। औरत के लिए महरम जरूरी है, महरम चाहिए उसके लिए। ये सब तालीमात हैं जो शरीयत ने सद्दुज़राए के तौर पर, जो फितने बर्पा हो सकते हैं, फितनों को रोकने के लिए शरीयत ने ये सब तालीमात दी हैं। मगर आज क्या कहें, आजादी का दौर है, आजादी के नारे हैं, आज आज इंसान हर चीज से आजादी चाह रहा है, और ये आजादी के नारे लगाते लगाते अखलाक से आजादी, अल्लाह अल्लाह, शर्म व हया से आजादी, संजीदगी और मतानत से आजादी, आला अखलाक और कैरेक्टर से आजादी, मिसाली तहजीब और मिसाली कल, हर चीज से आजादी के नाम पर ये सारी पाबंदियां आज खत्म कर दी गई। खलवत देख लो कितने मजाहिर चाहिए खलवत के आपको, अजनबी मर्द और औरत के दरमियान। इख्तिलात देख लो, हमारा सारा मुआशरा ये इख्तिलात का नमूना बना हुआ है। बेहिजाबी, बेहिजाबी के तो क्या कहने, हर जगह औरत है आज, औरत पूरी तरह से बेहिजाब होकर सामने आ चुकी है। तालीम गाहें, दर्स गाहें, स्कूल और कॉलेजेस, जहां के तालीम दी जानी चाहिए या तालीम दी जाती है, जहां अदब का सबक सीखा जाता है और सिखाया जाता है, आज क्या है स्कूल और कॉलेज की सूरत हाल। आज हमारे बच्चे, याद रखिए, माफ करना मैं ये जुमला कह रहा हूं, आज हमारी नौजवान नस्ल स्कूलों को जाकर, कॉलेजेस को जाकर सिलेबस पढ़े ना पढ़े, इश्को मोहब्बत का सबक जरूर पढ़ के आ रही है। ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं, अगर आज कोई ऐसा नौजवान है जो कॉलेज में पढ़ता हो, नौजवान हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो, कॉलेज में जेर तालीम हो, और पूरे तालीमी मरहले में वो इश्को मोहब्बत के फितने का शिकार नहीं हुआ, अपने दामन को उसने इश्को मोहब्बत के धब्बों से दागदार नहीं किया, तकवे की इससे बड़ी पहचान नहीं हो सकती। अल्लाह का वली है वो नौजवान जो आज की कॉलेजों में पढ़ रहा हो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा हो, जहां बेहयाई के हजार मजाहिर हैं, और वो यूं अपनी जवानी को बेदाग रखता है कि अपने दामने किरदार को इश्को मोहब्बत के धब्बों से उसने दागदार नहीं होने दिया, किसी की जुल्फ का वासीर नहीं हुआ, तो वल्लाह अल्लाह का वली है ये नौजवान। मगर हैं क्या, मैं ये नहीं कहता कि सब होंगे अल्लाह के बंदे, लेकिन मेजॉरिटी, ये इतना बड़ा मसला, इतना बड़ा फितना है, अल्लाह रहम करे, कि जैसे हमने कहा, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। तोड़ सकती नहीं तकवे को मेरे कोई सदा, तोड़ सकती नहीं तकवे को मेरे कोई सदा, शर्त यह है कि वो पाजेब की झनकार ना हो। हया जाती रही, शर्मो हया ना रही, बिल्कुल ना रही। आप लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, शर्मो हया ना रही। लड़कों से ज्यादा शर्मो हया लड़कियों में होती थी, मर्दों से ज्यादा शर्मो हया औरतों में होती थी। इसीलिए शर्मो हया का एक मेयार ये था, एक वक्त सहाबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था
कि अल्लाह के नबी, एक बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है, रिश्ता तलाश करता है, और रिश्ता ढूंढने के बाद, रिश्ता तलाश करने के बाद वो बाप अपनी बेटी से मशवरा लेता है, पूछता है कि बेटी फला लड़का है, फला नाम का लड़का है, फला सिफात का लड़का है, ये रिश्ता मंजूर है क्या? इसके जवाब में वो बच्ची कुछ नहीं कहती है, वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, तो अल्लाह के नबी उस खामोशी को हम क्या समझें? तो प्यारे नबी ने फरमाया कि उसकी खामोशी रजामंदी है। अगर वो खामोश रहती है तो समझ जाओ कि वो उसकी खामोशी हाँ कहने के बराबर है, वो उस रिश्ते से राजी है और वो रिश्ता उसे मंजूर है। हाँ देखिए, शर्म व हया का एक मेयार ये, रिश्ता देख रहा है बाप, ढूंढ रहा है बाप, देखने के बाद अपनी लड़की से आके उसकी सिफात का तस्करा करके मशवरा ले रहा है, उसकी राय लेना चाह रहा है, उसकी रजामंदी का इजहार चाह रहा है, तो लड़की हाँ कहते हुए भी शर्माती थी, वो खामोश रहती थी। क्यों? शर्मोहया माने है, शर्मोहया रुकावट है। ये दौर था जब खवातीन की शर्मोहया का मेयार ये था, और आज का दौर ये है, लड़की खुद रफीक सफर का इंतखाब करती है, किसी लड़के के मुआशरे के चक्कर में पड़ती है, और पूरे खानदान से फाइट करती है, और माँ बाप से चैलेंज करती है, करूंगी तो यही करूंगी और इसी से करूंगी वरना मर जाओ। शर्म और हया रुखसत हो गई। हया बहुत बड़ी चीज है, अखलाक की हिफाजत के लिए, किरदार की हिफाजत के लिए, जवानी की हिफाजत के लिए हया बहुत बड़ी चीज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन मिम्मा अदरक الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت। कहा कि इस दुनिया में पिछले पैगंबरों की जो बातें बाकी रह गई हैं, पिछले पैगंबरों की जो हदीसें बाकी रह गई हैं, उनमें से बहुत बड़ी हदीस ये भी कि तुम्हारे अंदर शर्मो हया नहीं तो जो चाहे करो। प्यारे नबी ने जब ईमान के शोबों का तस्करा फरमाया, ईमान के जो 73 से जायद शोबे हैं, तो अव्वल और आखिर शोबे के साथ साथ दरमियान के 10वें शोबों में से आपने हया और शर्म का तस्करा फरमाया। الإيمان بضع وسبعون شعبة فضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان। आपने फरमाया कि ईमान के 73 से ज्यादा शोबे, ईमान की 73 से ज्यादा खसलतें हैं। सबसे अफजल शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, सबसे कमतर शोबा रास्ते से तकलीफ दह चीज का हटाना है। अब दरमियान के 10वें शोबों में से आपने शर्म हया का तज़किरा फरमाया। वल्हया शोबतुम मिनल ईमान, और शर्मोहया ईमान का एक अहम तरीन शोबा है। आज यही शर्मोहया रुखसत हो गई, आज गीरत मारी गई। बेगीरती की जिंदगियां, बेगीरती की जवानियां, नसअलुल्लाह सलामत वल आफिया। वालिदैन से बगावत, इश्को मोहब्बत के फितने में मुब्तला होने का एक लाजिमी नतीजा क्या है? वालिदैन से बगावत। और ये बगावत लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं। वालिदैन से ज्यादा हमारा खैरखा कौन हो सकता है? वालिदैन से ज्यादा हमदर्द हमारा कौन हो सकता है? वालिदैन से ज्यादा गमखार हमारा कौन हो सकता है? वालिदैन से ज्यादा हमारा भला चाहने वाला कौन हो सकता है? लड़की ने एक लड़के को पसंद कर लिया, वालिदैन कह रहे मुनासिब नहीं, मत करो, तुम्हारे लायक नहीं है। लड़कियां जज्बाती होती हैं, माँ बाप को रुला देती हैं पर वही करती हैं, खानदान की पूरी इज्जत आबरू को नीलाम करती हैं, पूरे खानदान की इज्जत आबरू को खातिर में लाए बगैर अपनी रजामंदी और मन चाह फैसला। नसअलुल्लाह सलामत वल आफिया, जैसे हमने कहा, इश्को मोहब्बत के फितने के सबब वालिदैन से बगावत का रुझान बहुत बढ़ गया है। वालिदैन खून के आंसू अंदर ही अंदर रोते हैं, ऐसा मसला है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। जिंदगी का आगाज अगर वालिदैन की नाफरमानी से हो रहा हो, वो लड़का करे कि लड़की करे, जिस जगह वालिदैन को मंजूर नहीं,
उस जगह जबरदस्ती करके वालिदैन पे दबाव डाल के, हालांकि वालिदैन के कहने में मसलहत है, भलाई है, वालिदैन की बात में वजन है कि वहां मत करो जो कह रहे, फिर भी हम वालिदैन को नजरअंदाज करके, उनकी अरमानों को कुचल कर, उनकी नाफरमानी करके, वालिदैन से बगावत करके जब अपनी इज्दवाजी जिंदगी का आगाज करेंगे, आप बताओ कहां से अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और अल्लाह की मदद आएगी। इसको मोहब्बत के फितने में मुब्तला होने के बाद जो शरी मुखालफतें आज समाज और मुआशरे में हो रही हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी मुखालफत बगैर वली के निकाह का होना। इसलिए कि मसलन मुल्की कानून है, मुल्की दस्तूर कहता है लड़का लड़की अगर राजी हैं उनका निकाह हो सकता है, मुल्की कानून ये कहता है। अब चूंकि मुल्की कानून ये कहता है, मुल्क का दस्तूर ये कहता है, तो वली जैसी अहम शर्त जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन नकहत बिगैर इज्नि वलीहा फनिकाहुहा बाफिल। जो औरत भी, जो लड़की भी अपने वली की इजाजत के बगैर शादी करे, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। लड़का लड़की जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जो रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं, वली नहीं है वली। याद रखिए ऐसा निकाह बातिल है, जिसके बातिल होने की ताकीद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तीन मर्तबे फरमाई है, फनिकाहुहा बातिल। और इस इश्क व मोहब्बत के फितने का एक और बुरा नतीजा, बुरा समरा ये होता है कि इसकी वजह से खुद हमारी नौजवान नस्ल की जिंदगी बर्बाद होती है। आप एक चीज नोट कीजिए, जो भी शादियां मुआशके के बाद होती हैं, इश्क व मोहब्बत के चक्कर में मुब्तला होकर जो रिश्ते होते हैं ना, देखिए वो रिश्ते कैसे निभते मुआशरे में। नहीं, साल, दो साल, तीन साल, चार साल, झगड़े शुरू, लड़ाइयां शुरू। क्यों जानते हैं? इसलिए ये जो रिश्ता हुआ है ये इश्क व मोहब्बत की बुनियाद पर हुआ है। यहां ना दीन देखा गया, यहां ना अकीदा देखा गया, यहां ना अखलाक देखे गए, यहां ना कैरेक्टर देखे गए। शरीयत ने तालीम दी है कि अपने लड़कों के लिए लड़कियों को देखते हुए, लड़कियों के लिए लड़कों को देखते हुए दीन और अखलाक को मद्देनजर रखना ना भूलो। शरीयत ने बाकायदा ये तालीम दी है, इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्वजूह तुनकहु अल-मरअतु लिअर्बअ लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत आम तौर पर कोई भी लड़का किसी लड़की का इंतखाब करता है उसके हुस्न जमाल को देखकर, उसके माल को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके दीन को देख। आपने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, तुम रिश्ता करते हुए दीन को देखना ना भूलो, दीनदार औरत का इंतखाब करो। क्या होगा? तरीबत यदार, जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरेगी। अब इश्क़ मोहब्बत में होता क्या है? उसने ना दीन देखा, उसने ना अखलाक देखा, उसने ना कैरेक्टर देखा, उसने सिर्फ सूरत देखी। याद रखो, सूरतों का नशा बहुत जल्द उतर जाता है, चेहरों का नशा बहुत जल्द उतर जाता है। इसीलिए इश्क व मोहब्बत की बुनियाद पर जितने रिश्ते होते हैं, छह महीने साल में वो चेहरों का, सूरतों का नशा उतर गया, अब उसके बाद बद अखलाकी शुरू, बदजबानी शुरू, लड़ाइयां शुरू, झगड़े शुरू, और ऐसे रिश्तों को का अंजाम उमूमन तलाक या खुला जो है, पर तलाक या खुला की शक्ल में ऐसे रिश्तों का अंजाम जाहिर होता है। तो हकीकत में ये जो जोड़े होते हैं मुआशका करने वाले, ये हकीकत में खुद अपनी जिंदगी आप बर्बाद करते हैं, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। बस नौजवान है, जज्बाती फैसले हैं,
दूरंदेशी नहीं है, माँ बाप जो दूरंदेश हैं उनकी बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, नतीजे में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपनी जिंदगी आप बर्बाद करते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दाव पर लगाते हैं। इसलिए याद रखो मोहतरम भाइयों बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत पाने के लिए शर्त रखी, वनहन नफ्स अनिल हवा, नफ्स की ख्वाहिशात के आगे रोक लगाना ये बहुत जरूरी है। नफ्स जो कहता है वो न सुनो। नफ्स ऐसी चीज है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा उससे लड़ना है हमें, उसकी मुखालफत करनी है हमें, नफ्स की नाफरमानी करनी है हमें। और इश्क़ मोहब्बत में होता है कि हम कदम कदम पर नफ्स की सुनते हैं। अच्छा, इसका एक और असर ये भी होता है ये इश्क़ मोहब्बत के फितने का, वो क्या है जानते हैं? बहुत बहुत दूर तक अल्लाह रहम करे, हमारी आने वाली नस्लें भी इससे मुतासिर होंगी, क्योंकि ये इश्क़ मोहब्बत की कहानियां, इश्क़ मोहब्बत के किस्से माशरे में इतने मशहूर हो जाते हैं, इतने मशहूर हो जाते हैं, हमारी शादी हो गई, हमारी औलाद हो गई, हमारे बच्चे पलने लगे, बढ़ने लगे, लोगों की जबानी हमारे बच्चों को सुनने को मिलता है कि अब्बा अम्मी की शादी जो हुई थी ये इस तरह हुई थी, वो भाग के गए थे, वो भगावे के गए थे। नऊज़ु बिल्लाह, सोचिए हमारी नई नस्लों की तरबियत खुद हमारे लिए कितनी बेशर्मी की बात है हमारे बच्चों के सामने। इसे याद रखिए, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए। नौजवान लड़के हो, नौजवान लड़कियां हो, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب تک نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آپ جب تک اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تب تک آپ اپنی جوانی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ نظریں بچھا کے چلو، نظریں جھکا کے چلو، نظر کی حفاظت کے بغیر ہم اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية۔ آپ نے فرمایا کہ علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، کیونکہ پہلی نظر تمہارے لیے جائز تھی، دوسری تمہارے لیے جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کسی پر غیر ارادی طور پر، غیر قصدی طور پر نظر پڑ گئی، فوراً پھیر لینا ہے، دیکھتے نہیں رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ اس لیے کہ ارادے کے بغیر وہ نظر پڑی، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنا، اجنبی لڑکیوں کو دیکھنا، اس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہاں آنکھوں کے زنا پر کنٹرول نہ ہو تو پھر نعوذ باللہ بات بڑے زنا تک جا کے رہتی ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیۃ۔ دو باتیں کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، والدین سے میں کہنا چاہوں گا، والدین سے مخاطب ہو کر، اپنے بچوں پہ بچپن سے ہی نظر رکھو، ان کی صحبتوں پہ نظر رکھو، خصوصاً جب وہ 14 سال 15 سال کے ہو جاتے ہیں، بہت کڑی نظر رکھنا چاہیے آپ کو۔ یہ کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو کیا اسکول جاتے ہیں، اسکول چھٹتے ہی گھر آتے ہیں، اور جب بھی یہ گھر سے باہر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتے ہیں کس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کی مصروفیتیں کیا ہیں۔ والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اسی طرح والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ موبائل دلاتے ہوں گے، قیمتی موبائل، بچوں نے کہا دلا دیا، بچیوں نے کہا دلا دیا، اور ریچارج بھی کر دیا آپ نے، یہ جائزہ لینا نہ بھولو موبائل کا، وہ کہاں تک صحیح استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے
कि इस मोबाइल के रास्ते से आपके घर में कई अजनबी पहुंचे हुए, आपकी बच्ची तक आपको खबर नहीं। इस मोबाइल के रास्ते से कई अजनबी लड़कियां पहुंची हुई आपके घर, आपके बच्चे तक, और आपको खबर नहीं है। इस तरह आप खुद अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाले बनेंगे। हमने देखा है वालिदैन कब बेदार होते हैं, बच्चों के साथ लाड़ और प्यार में इंतहा को पहुंचते हैं, मुंह मांगा पैसा देते हैं, मुंह मांगी चीजें दिलाते हैं, एहतसाबी नजर नहीं रखते, दोस्तियों का जायजा नहीं लेते, और इस दरमियान बच्चा खूब बिगड़ता है, खूब बिगड़ता है। जब वो बिगड़ जाता है, बागी बन जाता है, खानदान की इज्जत आबरू को नीलाम करने के दरपे होता है जी, तो उस वक्त वालिदैन होश में आते हैं, और उस वक्त होश में आने का कोई फायदा नहीं। मुकल्लिबुल कुलूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की उस वक्त दिलों को फेर सकती है। वरना आजकल हम देखते हैं बच्चे, नौजवान नस्ल इतनी बागी बनी हुई है, ना माँ को खातिर में लाते हैं, ना बाप को खातिर में लाते हैं, ना खानदान को खातिर में लाते हैं, ना खानदान के बड़ों को, ना खानदान की आबरू को खातिर में लाते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। कबल इसके कि आपके बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे, इस मरहले तक पहुंचे, एहतसाबी नजर रखो अपने बच्चों पर। एहतसाबी नजर रख कर जब उनसे गलती हो रही उसी वक्त इसलाह करो। गलत सोहबत में मुबतला हुआ, फौरन उनकी सोहबत बदल दो। मोबाइल का आपने देखा गलत इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल उनसे ले लो या रिचार्ज कराना छोड़ दो सजा के तौर पर, जब तक कि वो ये वादा ना करे कि हाँ सही इस्तेमाल करेंगे। बिना पूछे घर से बाहर 2-4 घंटे गुजार के आता है, कहाँ गया था, क्या किया, जब तक वो बताता नहीं आपको, आप घर से बाहर जाने ना दो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से जकड़ के रख दो, नजर रखो, एहतसाबी नजर रखो। हमारे बच्चे जब घर से बाहर और स्कूल से बाहर होते हैं ना, तभी बिगड़ते हैं। घर से बाहर जो उनका वक्त गुजरता है, स्कूल और कॉलेज से बाहर उनका जो वक्त गुजरता है ना, क्लासरूम से बाहर, हमारे बच्चे यहीं बिगड़ते हैं। नजर रखना बहुत जरूरी है, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वही मैं अपने नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से गुजारिश करूंगा, अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी जवानी की हिफाजत की एक तो आपको कोशिश करनी है, इरादा करना है। कोशिश और इरादे के साथ साथ आपको दुआओं का भी सहारा लेना है, दुआओं का भी सहारा लेना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम दुआ कुतुब अहादीस में आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हदिनी लि अहसनिल अखलाक फइन्नहु ला यहदी लि अहसनहा इल्ला अंत वस्रिफ अन्नी सय्यहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक दे दे, कि अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक तू ही दे सकता है, और ऐ अल्लाह बुरे अखलाक को मुझसे फेर दे कि बुरे अखलाक को मुझसे तू ही फेर सकता है। ये कितनी बड़ी दुआ है। اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها, मेरे नबी की दुआ, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तकवा अता फरमा और मेरे नफ्स को पाक कर दे कि मेरे नफ्स को तू ही पाक कर सकता है, और अपने नफ्स के शर से पनाह मांगना ना भूलो। وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا, और खास तौर पे एक मशवरे के तौर पर आप नौजवान भाइयों और बहनों से मैं कहूंगा, सूरह यूसुफ का मुताला जरा तर्जुमे, ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ करो। वल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेदाग जवानी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेदाग किरदार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो इस्तिकामत, जब अजीज मिस्र की बीवी ने वरगलाना चाहा, आपको बड़ा हौसला मिलेगा, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं आप सभी नौजवानों से जो कहीं भी जिंदगी के किसी भी मरहले में इस फितने में मुब्तला है, खास दरख्वास्त करूंगा सूरह यूसुफ को बार बार पढ़ो, दोहरा कर पढ़ो, ट्रांसलेशन तर्जुमे के साथ पढ़ो और तफसीर के साथ पढ़ो। अल्लाह के जलील कदर पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आपको बड़े अजीम दर्द देती हुई नजर आएगी, आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और इस्तिकामत नसीब होगी। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए इन्हीं चंद नुकात पर समेटता हूँ। दुआ करता हूँ रब्बुल इज्जत से कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज्जत
इश्क व मोहब्बत के फितने से बचाए। अल्लाह अखलाक व किरदार की हम सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नई नस्लों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया आप सब भाइयों का, बहनों का, जो इस प्रोग्राम में शरीक रहे, और खुसूसन मैं शुक्र अदा करता हूँ जद्दा जालियात और जद्दा दावा सेंटर के तमाम ही जिम्मेदारों का, उसमें खास तौर पर फजीलतुल शेख इनायतुर्रहमान मदनी हफिजहुल्लाह का। आपकी मोहब्बतें हैं और आपकी इनायतें हैं कि बार बार आप हमें ये सआदत अता कर रहे हैं कि हम आपके प्लेटफॉर्म से कौम से खिताब कर सकें, अपने मुसलमान भाइयों से, दीनी भाइयों से खिताब कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की, आप सब की जस्तजू और मेहनत को शरफ कबूलियत में नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।